नमस्कार साथियों, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे यूज करें। यदि अगर आपको जो आपकी फाइल हैं जैसे एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, इन फाइलों को और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तब आप किस ऑप्शन का यूज करें, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करें। जैसे कि आपके देखिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता है जिससे हम कोई भी अपनी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की फाइल शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप को लॉगिन करके आप कोई भी फाइल शेयर कर सकते हो। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप कैसे यूज करें। तो देखिए, व्हाट्सएप को चलाने के लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि आप व्हाट्सएप को कैसे चलाएं अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पर फाइंड करना है व्हाट्सएप वेब, लिखना है आपको यहां पर आपको लिखना है व्हाट्सएप वेब लिखना है और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आएंगी। तो आपको जो पहली वेबसाइट है जहाँ पर लिखा है व्हाट्सएप वेब, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज होगा, थोड़ा प्रोसेस लेगा और आपके सामने ऐसा एक पेज आएगा जहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्यू आर कोड मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक QR कोड आया है, बस कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन को ओपन करना है। अब आपको अपने फ़ोन में चले जाना है। तो फ़ोन में जाने के बाद आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि फ़ोन में जाने के बाद आपको WhatsApp को ओपन कर लेना है, क्योंकि आपके फ़ोन में जो WhatsApp है उसी WhatsApp को हम अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पर एक वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ आपके अपने फ़ोन में क्या क्या करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को ओपन करना है। फ़ोन को ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट में जाना है और यहाँ से लिंक डिवाइस में क्लिक करना है। फिर यहाँ से इस ऑप्शन में क्लिक करना है लिंक के डिवाइस में। फिर आपने अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड इंसर्ट करना है। फिर आपको यहाँ से डन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में देखना है और इसके बाद अपने फ़ोन से उस कैप्चर को, QR कोड को लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे आपके कंप्यूटर में वो आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को हम ओपन करते हैं और अपने फ़ोन को हम यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कैसे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे, चलिए मैंने कैप्चा को लॉगिन कर लिया, मतलब उसको स्कैन कर लिया, अपने कैप्चा को स्कैन कर लिया। जैसे स्कैन कर लेंगे आपके कंप्यूटर में वो व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे कंप्यूटर में जो मेरा व्हाट्सएप है लॉगिन हो चुका है, जहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे नेम शो करा रहे हैं। अब इसमें आपको टाइपिंग कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब किसी से चैटिंग कैसे करना। जैसे कि सिंपली मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर यहाँ से लेता हूँ, जैसे मालूम मैंने क्लिक किया। इसमें क्लिक करने के बाद मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होती हैं। ये मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में मतलब जितने भी व्हाट्सएप ऐड हैं उनके नेम शो करेगा और राइट साइड में यहाँ पर जिस भी आप क्लिक करोगे, जिस भी व्हाट्सएप में क्लिक करोगे यहाँ पर उसकी पूरी हिस्ट्री शो करेगा। जैसे कि अगर आपको किसी चैटिंग करना है तो यहाँ पर देखिए बॉटम में टाइप ए मैसेज में क्लिक करिए और आप यहाँ से कीबोर्ड के थ्रू हेलो हाय जो भी आपको लिखना हो, और लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे ये देखिए व्हाट्सएप चला गया। जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है जहाँ से क्लिक करके आप बहुत सारे इमोजी भी सेंड कर सकते हो। ये देखिए आपको बहुत सारे इमोजी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्लिक किया, चलिए जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्लिक किया सेव में, सॉरी सेव नहीं है आपका मैंगो है, मैंने मैंगो में क्लिक किया और यहाँ से आपको इंटर कर देना है। ये देखिए आपको मैंगो चला गया। तो इस तरह आप किसी को मैसेज कर सकती हैं। अब चलिए हम ये भी सीख लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फाइल सेंड करना है या एमएस वर्ड की या एक्सेल की, तब आप फाइल कैसे शेयर करें। तो फाइल को शेयर करने के लिए और यहाँ से जो प्लस का चिन्ह है प्लस में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन जहाँ से फोटो वीडियोस सेंड कर सकते हैं, प्लस कोई डॉक्यूमेंट, कैमरा, कॉन्टेक्ट नंबर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमको क्या है अपनी फाइल सेंड करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट में क्लिक किया। जैसे आपने डॉक्यूमेंट में क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां पर आपने जो भी फाइल सेव की हो सभी शो करेंगे। तो चलिए हम यहां से अपने डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं जहां पर हमने फाइल को रखा है। इसके बाद हम चलते हैं जहां पर मैंने एमएस वर्ड की फाइल को रखा है, तो मैं यहाँ से एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करता हूँ। चलिए कहाँ गया मैं, जस्ट मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ से अपनी वर्ड फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ से
चलिए मैं अपनी फाइल को यहाँ पर अगस्टा स्टूडेंट में क्लिक करता हूँ और ओपन में क्लिक किया, और ओपन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इंटर या सेंड में क्लिक कर दीजिए। आपकी फाइल आपके सामने यहाँ पर देखिए घूम रही है, और इसके बाद मतलब फाइल सेंड हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें निशान बन गया है कि मतलब मेरी फाइल मतलब सामने वाले को जा चुकी है। तो इस तरह बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। और देखिए मतलब कि जो आपका व्हाट्सएप, आप ही का व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर में लॉगिन हो चुका है, अभी क्या लॉगिन है, इसे लॉग आउट भी आप कर सकते हैं। समथिंग मान लीजिए आप कंप्यूटर आपके अलावा कोई और भी इस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो क्या करिए मतलब लॉगिन करने के बाद इसको लॉग आउट भी कर दीजिए, ताकि आपके व्हाट्सएप को कोई दूसरा यूज ना कर पाए। नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप को कोई दूसरा भी यूज कर सकता है। तो मतलब सिंपली यही प्रोसेस आपको करना है, मतलब लॉगआउट कर देना है। इसके बाद सेम वही प्रोसेस फिर से आपको व्हाट्सएप को अपने ब्राउजर को ओपन करना है, फाइंड करना है व्हाट्सएप वेब, फिर अपने फ़ोन से वही थ्री डॉट में जाके लिंक डिवाइस से लिंक कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको लॉगआउट कैसे करें। तो लॉगआउट करने के लिए यहाँ पर देखिए थ्री डॉट बना है ना, इसमें बना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉग आउट का। जैसे क्लिक कर देंगे आपका जो इसमें जो आपका लॉगिन किया है आपने, आपने जो व्हाट्सएप लॉगिन किया है वो व्हाट्सएप यहाँ से हट जाएगा। तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, प्लस यहाँ से न्यू ग्रुप, नया ग्रुप भी बना सकते हैं। बहुत सारे मतलब जो काम आप कम फ़ोन में करते हैं सेम वही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आप इस तरीकों को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। प्लस यहां पर देखिए ये भी है मतलब कि अगर किसी का कंटेंट चेक करना है तो यहां पर प्रोफाइल में क्लिक करिए, और यहां से उसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। प्लस इस फ़ोटो को आप सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि सिंपली अगर किसी फ़ोटो को अपने कंप्यूटर में सेव करना है तब उसकी प्रोफाइल में क्लिक करके करिए राइट माउस, और यहाँ से एक ऑप्शन सेव इमेज एस, इसमें क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और मैं डेस्कटॉप में क्लिक करके इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप वाकई में सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहां से इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। ये देखिए फोटो ये सेव हो गई, मतलब हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। तो इस तरह आप कोई फाइल्स किसी को सामने वाले को शेयर कर रहे हो तो अपने कंप्यूटर में शेयर से मतलब अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो। बहुत काम आप इसमें मतलब कहा जाए आपका बहुत ही काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह किसी को फाइल शेयर भी कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों में बढ़िया तरीके से आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको लॉग आउट करना बता देते हैं। तो लॉग आउट करने के लिए सिंपली क्लिक करिएगा, और यहां से मैंने लॉग आउट में क्लिक किया। जैसे क्लिक किया यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, बस क्लिक कर देने हाँ मैं श्योर हूँ मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए प्रोसेस होगा, और आपका यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप है आपके कंप्यूटर से लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट आप जरूर करिएगा, नहीं तो अगर मतलब अगर पर्सनल आपका कंप्यूटर है तब सही है, लेकिन अगर आपके अलावा और कोई और भी कंप्यूटर को यूज करता है तो आप अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई दूसरा यूज ना कर पाए। तो इस तरह देखिए लॉग आउट हो गया, बस यहाँ से प्लस में क्लिक करके एक नया पेज लीजिए और उसको हाइड कर दीजिए। इसके बाद देखिए आप जब यहाँ पर व्हाट्सएप वेब में क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह इंटरफेस आएगा, फिर से इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको वही क्यू आर कोड आएगा, क्योंकि हमें लॉग आउट कर दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर से क्यूआर कोड आ रहा है, फिर से आप यूज कर सकते हैं इस तरह। तो मतलब वही आपको वही सेम वही प्रोसेस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आपको व्हाट्सएप लॉगिन करना हो तो आप कर सकते हैं ये प्रोसेस आजमा के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और उनको भी कहिए कि आप लोग भी सीख लीजिए कंप्यूटर में व्हाट्सएप चलाना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।